वेलकम टू माय चैनल सुषमाज किचन। मैं हूँ सुषमा। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो बड़े और बूढ़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाजर को घस लिया है, अदरक और लहसुन को भी ग्रेट कर लिया है और ग्रीन चिल्ली को काट लिया है। और यहाँ पर देखिए दो बॉयल्ड पोटैटो को भी क्रश कर लिया है। तो देखिए एक बर्तन में मैंने पोटैटो को ले लिया है। अब इसमें गाजर जो ग्रेट करके रखे थे वो इसमें दे रही हूँ। उसके बाद मैंने ये अदरक और लहसुन को जो ग्रेट करके रखा था वो इसमें दे रही हूँ। ग्रीन चिल्ली को अकॉर्डिंग टू टेस्ट दे रही हूँ। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो क्वांटिटी मैं दिखा रही हूँ वो मैं यहाँ पे 4 मेंबर्स के लिए बना रही हूँ। आप इसे अपने मेंबर्स के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला दे दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर दिया है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर इसमें दे दिया है। और वाइट गोल मरीच जो होता है उसे क्रश करके मैंने इसमें दे दिया है। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर जो होता है वो डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा इसमें मिला दिया है बाइंडिंग के लिए। और इन सबको मिलाकर मैं इसे रेस्ट पर रख दे रही हूँ। तो चलिए इसको अब ढककर रेस्ट पर रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं एक घोल तैयार करूँगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैदा लिया है। और इसमें 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, तो 2 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर लेंगे। तो इन सबको मिला के मैं रख दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने आलू जो तैयार करके रखा था उसको गोल गोल करके बीच में गड्ढा करके नेस्ट के जैसा कर लिया है। और ऊपर से वो पतला वाला जो सेवई होता है वो इसमें चिपका दिया है और इसे साइड रख दे रही हूँ। चलिए आपको एक और दूसरा बना के दिखा रही हूँ। देखिए एकदम असली नेस्ट जैसा लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये आलू लेके मैंने ऐसे जैसे बीच में गड्ढा बनाते हैं जब कोई चीज़ आलू पूरी या सत्तू पूरी बनाते हैं तो गड्ढा कर देते हैं आटा का, वैसे आलू लेके ऐसे ही बीच में गड्ढा कर दीजिएगा। और ये घोल जो मैंने तैयार किया था वो ये देखिए आलू को गोल गोल करके बीच में थंब की सहायता से ऐसे गड्ढा कर लेंगे। और उसके बाद मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो घोल तैयार किया था वो उंगलियों की सहायता से इसके ऊपर लगा देंगे। उसमें डिप नहीं करेंगे, ऐसे चारों तरफ से लगा देंगे। चारों तरफ लग गया। उसके बाद पतला वाला सेवई इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है नेस्ट को। और इसे अब सेट होने के लिए फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक नेस्ट सेट हो रही है तब तक यहाँ पर वेज डीम मैं तैयार कर ले रही हूँ नेस्ट में डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने हाथों की सहायता से मल लिया है और इसमें वाइट गोल मरीच जो होता है उसको क्रश करके डाल दिया है। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें मैंने नमक डाल दिया है। आप चाहें तो ब्लैक भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास था तो मैंने इसमें वाइट ही डाला है। और देखिए जब तक मैं उस डिम मतलब पनीर को मह रही हूँ नेस्ट में डालने के लिए अंडा तैयार कर रही हूँ तब तक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए इस तरह से आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा गोल गोल करके नेस्ट में डालने के लिए डिम बनाकर रख दीजिए। अब देखिए तेल गर्म हो गई है, मैंने गैस का फ्लेम को लो कर दिया है। और
वो जो नेस्ट बनाकर फ्रिज में रख दिया था वो सेट हो गई है, तो इसे अब थोड़ा निकाल कर 5 मिनट बाहर रखेंगे, उसके बाद तेल में डालेंगे। तुरंत फ्रिज से निकाल कर तेल में नहीं डालेंगे, नहीं तो ठंडा गर्म के चलते टूट जाएगी। ये देखिए इस तरह से नेस्ट फ्राई हो गई है। अब बहुत ही सावधानी से इसे तेल में दीजिएगा, क्योंकि फ्रिज में रखे रहते हैं तो ठंडा रहता है, एकदम डालते समय बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए मैं इसमें फिर दूसरा नेस्ट डाल दे रही हूँ, और तेल गरम करके उसको एकदम गैस का फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, नहीं तो ऊपर से जो ये सेवई लगाया है ना वो तो फ्राई हो जाएगी लेकिन आलू कच्चा ही रह जाएगा और स्वाद अच्छा नहीं आएगा खाने में, इसीलिए मीडियम फ्लेम नहीं तो कम करके इसे फ्राई करिएगा। पहले तेल को गरम कर लीजिएगा, उसके बाद गैस का फ्लेम को मीडियम या लो करके, ये देखिए, और इसे पलटना नहीं है फ्रेंड्स। मैं इसे ये देखिए छलनी की सहायता से इसमें ऐसे तेल उछाल उछाल के डाल रही हूँ कि बीच में जो है वो भी कच्चा नहीं रहे, गर्म तेल जाने से वो भी फ्राई हो जाए। पलटेंगे तो ये इसका शेप बिगड़ जाएगा, इसीलिए पलटना नहीं है, और इस तरह से इसमें उछल उछल के तेल को इसमें डालना है जिससे बीच का जो पोर्शन है वो भी फ्राई हो जा रही है। ये देखिए आप देख ही सकते हैं, मेरे चैनल में जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दीजिएगा। खाने को ना फ्रेंड्स जितना भी आप प्यार से बनाइएगा, और बच्चे तो आजकल सिंपल अगर आप बना के दे दीजिएगा तो खाएंगे नहीं, इस तरह से उसको गुच्छा के या अट्रैक्टिव बना के इसको आप अगर बच्चों के सामने दीजिएगा तो वो ना नहीं कर पाएंगे। तो और इवनिंग स्नैक्स में बहुत ही अच्छा है ये, बच्चे बूढ़े सभी पसंद करते हैं, बहुत खाने में अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से मैं चारों तरफ से घुमा घुमा कर इसे फ्राई कर ले रही हूँ। आप प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आए तो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है उनको असंख्य असंख्य धन्यवाद। ये देखिए नेक्स्ट फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन मैंने इसे फ्राई किया है, बीच में थोड़ा सा अभी भी मुझे कच्चा लग रहा था तो मैं फिर इसमें उछल कर तेल डाल दे रही हूँ। इसी तरह से मैं तीनों नेस्ट चारों नेस्ट को जितना नेस्ट मैंने बनाया है मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लगा है, बहुत ही एकदम देखने में एकदम दूर से लगेगा आपको एकदम नेस्ट जैसा ही। इसे अब मैं ये देखिए ऐसे सेट करके बहुत ही सावधानी से निकाल ले रही हूँ। तो नेक्स्ट फ्राई हो गई है, और ये जो सेवई है इसे मैं अब छान के तेल में से सेट कर ले रही हूँ। अब डीम को फ्राई करूँगी मैं, तो डीम वैसे तेल में गरम तेल में मत डाल दीजिएगा, तेल को गरम करके और गैस बंद कर दीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो फट जाएगी। और डीम को एकदम फ्राई नहीं करा नहीं करना है, जस्ट तेल गरम करके गैस को बंद कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम को बंद कर दिया है, और डालिएगा थोड़ा देर
एक मिनट तक रखिएगा और ऐसे ऐसे फ्राई करके, पूरा डीप फ्राई नहीं करना है, बस डालना है और निकालना है। तो ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स। और इसे आप, मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता देके इसे गार्निश कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी और हेल्दी बना था ये। तो चलिए आप भी अपने घर में इसे ट्राई करिए, इस रक्षाबंधन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।